एक साथिका पूछती है कि जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे थर्ड आई पॉइंट पर दर्द होने लगता है, यह कुछ सेंसेशनल सा होता है, भारीपन हो जाता है। देखिए, आजकल लोगों को थर्ड आई एक्टिवेट करने का कुछ ज्यादा ही भूत सवार हो गया है और इस चक्कर में वो यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को गुरु की सही गाइडेंस ना मिलने के कारण ये परेशान हो जाते हैं और फिर बाद में इसका सोल्यूशन भी नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर प्रॉब्लम फिजिकली होगी तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है, लेकिन जब आपकी थर्ड आई पर पेन होता है तो यह आपकी भौतिक शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके भीतरी प्रॉब्लम है। अब इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाएगा और अगर आप कुछ दवाइयां वगैरह खाओगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। इसके लिए चाहिए कि आपको सही जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि थर्ड आई मेडिटेशन करना ही नहीं चाहिए। आप अगर अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कुंडली जागृत करना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान मत करो, आप नॉर्मल ध्यान करो, आप विपसना मेडिटेशन करो या जिसे अनापान सति योग भी कहा गया है। तो चलिए अब आपको मैं एक लॉजिक बताता हूं कि आपकी थर्ड आई पर पेन क्यों होता है। स्टार्टिंग में जब कोई साधक ध्यान करने बैठता है तो वह अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों आंखों के सेंटर में वहां ध्यान लगाता है, जिसकी वजह से उस सेंटर पॉइंट पर जोर पड़ता है। हाँ, वहीं पर आपकी थर्ड आई होती है। तो जब आप वहां पर ध्यान की शक्ति से प्रहार करोगे तो सीधी सी बात है, आपको दर्द तो होगा ही। असल में आप करते क्या हो, जब आप ध्यान करने बैठते हो किसी भी पोजीशन में, आपने अपनी आंखें बंद की और बस उसी जगह पर देखना शुरू कर दिया, दोनों आंखों के बीच में, भौं के बीच में, उस सेंटर पॉइंट पर। आपकी आंखें तो बंद हैं लेकिन आप भीतर से वहीं पर देख रहे हैं और फिर आपके हल्का हल्का दर्द होने लगता है। फिर आप और जोर लगाते हो और गौर से देखने की कोशिश करते हो, आपका दर्द और बढ़ जाता है। और अगर आप नीचे की तरफ देखते हो, आंखें आपकी बंद हैं, आप नीचे की ओर देख रहे हो, तो आपको नींद आ जाएगी। फिर आप कहोगे कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मुझे नींद आ जाती है। देखिए, अगर आप नीचे देखोगे तो आपको नींद आएगी और अगर ऊपर देखोगे तो आपकी थर्ड आई पर पेन होगा। असल में यह सब कुछ आपको करना ही नहीं है। ध्यान का मतलब होता है कि आपने अपनी आंखें बंद करी और रिलैक्स पोजीशन में बैठ गए। देखिए, इसके लिए कोई पोजीशन, कोई पोस्चर नहीं है। आपका शरीर जिस भी पोजीशन में रिलैक्स हो पाता है आप उसी पोजीशन में बैठिए। बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस खाली अपने अंदर आवाजें सुनने की कोशिश करो। जो नेचुरली दिखाई दे रहा है, जितना भी अंधेरा या जो भी कुछ है, आप वो देखते रहिए। अगर देखना ही है तो आप अपनी श्वासों को देखिए। आप यह देखिए कि आपकी श्वास कहां से आ रही है। हाँ, आपकी श्वास तो चल ही रही है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि ये कहां से आ रही है और कहां जा रही है, उसे देखिए। आप देखते रहिए, आप 2-3 मिनट तक ऐसा ही कीजिए। उसके बाद उस अंधकार में कुछ सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई आवाज आ रही है? याद रखना, किसी भी आवाज को विजुलाइज नहीं करना है, बस केवल यह ध्यान देना है कि नेचुरल कहीं से आवाज आ रही है, क्योंकि आपके भीतर भी कई प्रकार की आवाजें आती हैं, लेकिन आपके इंद्रियों को बाहर की आवाजों की, बाहर के दृश्य देखने की आदत है, तो वह वही देख पाती हैं, वही सुन पाती हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर की ओर मुड़ जाओगे और थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आपको अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगेंगी, आपके भीतर कुछ दृश्य दिखाई देने लगेंगे। पहले तो अनंत अंधकार दिखाई देगा, आप उसे देखते रहिए। यह अंधकार गहरा होता चला जाएगा और गहरा होता चला जाएगा, आप भी साथ ही साथ जाते रहिए। अगर कोई आवाज आए तो ध्यान वहां लगाइए, उसे सुनने की कोशिश कीजिए और गहरा जाइए। आपको लगता है कि यह बाहरी दुनिया बहुत बड़ी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी बाहरी दुनिया में आपका दिमाग एक सीमा बना ही लेता है। लेकिन अब आप अपने भीतर ही प्रवेश कर रहे हैं और जब आप अपने भीतर जाएंगे तो देखेंगे असल में यह दुनिया सबसे बड़ी है।
इसका कोई अंत नहीं है। आपको बहुत ही बड़ा अनंत अंधकार दिखाई देगा। आप देखेंगे यह इन्फिनाइट है। यह आपको बुद्धि के स्तर पर नहीं करना है। यह सब कुछ आपको अपने हार्ट चक्र पर महसूस होगा, और यह जब भी संभव होता है जब आपकी बुद्धि रुक जाती है, आपके मन की बक बक रुक जाती है, आपके विचार रुक जाते हैं, और जब आप श्वासों पर ध्यान दोगे, उस अंधकार को देखोगे, तो आपका दिमाग वहीं रुक जाएगा। मतलब दिमाग काम करेगा लेकिन वो बकवक नहीं करेगा, वहां की कन्वर्सेशन बंद हो जाएगी। और इसे देखते रहिए, धीरे धीरे आपको कुछ भीतरी अनुभव होने लगेंगे। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, आप इसे कुछ दिन तक करते रहिए। कई बार आपको कुछ लाइट्स दिखाई देंगी, उनकी कुछ हल्की झलकियां होंगी, फिर यह भी बढ़ती चली जाएगी। याद रखना, मैं फिर कहता हूं, यह सब कुछ विजुलाइज नहीं करना है, यह नेचुरली घटेगा। आपको किसी भी चक्र पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है तो केवल अपनी श्वास पर, और फिर अपनी भीतरी आवाजों पर, उस अनंत अंधकार पर। और जब आपको आपके भीतर इस भौतिक संसार से कुछ अलग दिखाई देने लगेगा, तो आपके मन के विचार भी रुक जाएंगे, क्योंकि मन के विचार आपके इस भौतिक संसार की चीजों से जुड़े हुए हैं। आपका मन यह संसार को जानता है, इसने अब तक इसी का अनुभव किया है, इसलिए आपके भीतर विचार चलते हैं। लेकिन जब आपके भीतर कुछ ऐसा घटेगा जो इस भौतिक संसार का नहीं है, तो उसके बारे में आपका मन या आपका दिमाग नहीं जानता। तो जिसके बारे में आपका मन या आपका दिमाग नहीं जानता, उसके बारे में विचार आएंगे ही नहीं। उसे यह सब कुछ एक अनोखा सा एक्सपीरियंस लगेगा। आपको लगेगा कि ये क्या है, ये कुछ अलग ही है, पता नहीं क्या है, लेकिन आपको मजा आएगा। आप अपने आप ही गहरा उतरने लगेंगे, और ये ध्यान कुछ करने जैसी चीज आपको नहीं लगेगी, ये तो अपने आप ही होगा। असल में ये करने जैसी चीज है ही नहीं। मैंने कई लोगों से सुना है, ध्यान ऐसे करो वैसे करो, यहां ध्यान लगाना है वहां ध्यान लगाना है। देखिए, अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है तो ध्यान के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको असली ध्यान करना है, उस ईश्वर की खोज के लिए ध्यान करना है, आप वो परम सत्य जानना चाहते हैं, वो रहस्य जानना चाहते हैं, तो उन सब चीजों के लिए आपके लिए सबसे बेहतर ध्यान ये है। आपको किसी भी प्रकार की कोई शक्तियां नहीं चाहिए, कोई कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं करनी है, आपको थर्ड आई एक्टिवेट नहीं करनी है, तो आप केवल यह ध्यान कीजिए। और याद रखना, यह ध्यान आपका बहुत ही जल्दी सध जाएगा। और जब यह सध गया, और अगर आप एक बार समाधि में प्रवेश पा गए, तो ये कुंडलिनी जैसी शक्ति, थर्ड आई की शक्ति, यह सब कुछ अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इन शक्तियों को पाने के लिए ध्यान करोगे, तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बस आप ऐसे ही ध्यान करो जैसा मैंने बताया है, आंखें बंद करके। ना तो आपको नीचे देखना है, ना ही आपको ऊपर की ओर देखना है। ऊपर की ओर देखोगे तो आपके थर्ड आई पर पेन होगा, नीचे देखोगे तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। और जैसा आपके भीतर है बिल्कुल वैसा ही देखने का प्रयास करोगे, और जो आवाजें आपके भीतर नेचुरल हैं उन्हें सुनने का प्रयास करोगे, तो बस यही तो है ध्यान। एनीवे, तो जिन लोगों के थर्ड आई पर पेन होता है, वो लोग तुरंत थर्ड आई पर फोकस करना छोड़ दें और इस प्रकार ध्यान करें।